नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। हम इस वक्त छत्तीसगढ़ की रायपुर राजधानी में आए हुए हैं। सुबह से घूम रहे हैं, बड़ी त्योहारी माहौल है तो लोग उस तरीके से मिल नहीं पा रहे। फिर हमने पता किया कि कहाँ जाएं तो लोग थोड़ा मिलें, थोड़ा नेतागिरी वाला मिजाज मिले, लोग बात करें, नेताओं के बारे में बताएं। तो पता चला कि ब्राह्मण, क्या नाम बताया था, ब्राह्मण पारा इलाका है, तो वहाँ के लोग जो है नेतागिरी में बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं। पास ही रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी है, बताते हैं कि वहाँ का प्रेसिडेंट हर बार यहीं से निकलता है। हर दूसरे घर में एक प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको, तो यहाँ की मिजाज कुछ ऐसा है। तो हमने कहा चलिए देखते हैं कि मिजाज ऐसा है तो लोग कैसे हैं, क्या बात करते हैं और चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आप इस बात करते हैं, क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल दुबे। कृष्ण गोपाल जी, यहाँ ये दक्षिण विधानसभा पड़ती जी, है जी, जी, जी। तो ब्रजमोहन अग्रवाल जी यहाँ पे विधायक हैं, छः बार से, पाँच बार से छठी बार बन रहे हैं कि नहीं? उनकी कोशिश, जैसे उनके सामने जो कैंडिडेट आए हुए हैं, जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, ठीक है व्यापारी वर्ग में जाना पहचाना नाम है, बट लोगों के बीच वो बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है। और जो पिछले 5 बार से जो विधायक है ब्रजमोहन अग्रवाल जी, उनकी पकड़ कह लीजिए या लोगों से जो संबंध है व्यक्तिगत रूप से, वो कुछ बहुत ज़्यादा ही घनिष्ठता वाली है। तो ऐसा लग रहा है कि पिछले बार से भी शायद ज़्यादा मतों से वो जीत पाएँ, ऐसा एक आकलन जो है हमारे बीच, सबके बीच आ रहा है। क्या कर रहे हैं वो जो लगातार 5 बार से जीत रहे हैं, छठी बार भी आप लोग कह रहे हैं? ये एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है, जैसा हम अगर देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो 25-26 वार्डों का विधानसभा क्षेत्र है। इन सारे वार्डों में एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी आदमी की, सड़क, पानी, बिजली, वो व्यवहारिक रूप से सही चल रही है। कभी आपको ज़रूरत होती है एक विधायक होने के नाते, अगर आप मिलने जाते हैं तो वो भी काम आसानी से हो जाता है। ईजी अवेलेबल विधायक हैं, मंत्री भी वो रहे, जब रहे मध्य प्रदेश में शासन में रहे या छत्तीसगढ़ शासन, तो भी उनकी उपलब्धता जो थी वो बड़ी आसानी से होती थी। तो शायद एक कारण मुझे ऐसा लगता है कि इन कारणों की वजह से इजी एक्सेसिबिलिटी एक विधायक होने के नाते और एक मंत्री होने के नाते, ये शायद उनको दूसरों से अलग करता है। और लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? दीपेश। दीपेश जी, हाँ, क्या बात है भाई, ब्रजमोहन अग्रवाल को आप लोग इतना क्यों पसंद करते हैं? 5 बार से जीत रहे हैं, 6ठी बार फिर लोग कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, पसंद तो उनको करते ही हैं, है ना। एक्चुअल में उनके साथ सबसे अच्छी बात ये है कि वो 5 साल अपने क्षेत्र में दौरा करते रहते हैं। छोटा से छोटा मंदिर किसी के यहाँ, अगर मान लो कि बच्चे का जन्म हुआ, उसने एक छठी प्रथा होती है, अगर उसमें भी उनको बुलाया जाए तो वो ज़रूर जाते हैं और जाके लोगों के साथ बैठ के बैठना, मिलना। उनकी कनेक्टिविटी पब्लिक के साथ बहुत अच्छी है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं क्षेत्र में? नहीं, दिक्कत परेशानियाँ रहती है, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता क्या होती है जनता की, कि सुनवाई हो, तो उन पे बात सुनवाई है, थोड़ी एक्शन लेते हैं वो, और उनके साथ साथ सतन संपर्क में रहते हैं वो। कभी भी अगर निकल जाए रोड से, अगर आप 4 लोग को देखेंगे तो रुकेंगे, आपसे बात करेंगे, और बहुत सरल, कोई ऐसा नहीं कि मैं मंत्री हूँ, बहुत बड़ा मंत्री हूँ, इतने बार का लगातार विधायक हूँ, ऐसा कोई उनमें ऐब है ही नहीं। आप कभी भी चले जाइए उनके पास, अपनी समस्या रख लीजिए उनके पास, वो आपको एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करेंगे। मतलब कहीं नेता वाला कोई गुण नहीं है, आपको कहीं भी दिख जाएंगे, जाते आते रात के 12 बजे भी आपके यहाँ कार्यक्रम रहेगा, 1 बजे भी आएंगे रात को, लेकिन आएंगे। आप लोग कह रहे हैं उनका व्यवहार अच्छा है, हाँ। तो कुछ कमी भी तो होगी, कुछ यहाँ पे दिक्कत परेशानियाँ भी तो होंगे, पानी की बड़ी दिक्कत बताई जा रही है क्षेत्र में। पानी की दिक्कत तो ऐसी है, देखो सब चीज़ का अपना एक डिपार्टमेंट फिक्स्ड है ना भैया, PM आके सब राज्य को संभाल सकता नहीं है, वैसे ही विधायक है, उसके नगर निगम है, नगर पालिका है, अपने अपनी जगह में सब है, सबका इन्वॉल्वमेंट होगा, सब अपने अपने स्तर पे काम करेंगे, तो कहाँ कोई समस्या रही। अब अगर आप PM को जाके बोलोगे रायपुर में वाहन पर हम पानी नहीं आ रहा है एग्जांपल, तो आप PM तो आएगा नहीं देखने, PM की बात दूसरी होगी, मगर विधायक से तो आदमी से चाहिए उम्मीद करता है। विधायक को जाके बोलोगे तो विधायक उसको फॉरवर्ड करेगा नगर निगम, क्योंकि ये सब विभाग डिपार्टमेंट निगम का है, तो जितनी कार्रवाई होनी निगम से होनी है, आपने सबका एक विभाग बांटा हुआ है ना, तो अगर वो कार्रवाई नहीं होती है तो उनकी सुनवाई तो वहाँ हो रही है, वो त्वरित कार्रवाई करवा तो रहे हैं। आपका क्या नाम है? प्रतीक तिवारी। प्रतीक, आप क्या मानना है? आप किस पर्पज से पहले बात करें ये मुझे मैं बताएं। ब्रजमोहन अग्रवाल आपके विधायक हैं 5 बार से, और इस बार आपका क्या लगता है, क्या हो रहा है उनका? पहली बात तो ये बता दूं कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, हम ये बोल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे हर सुख में, दुख में, सब में वो शुरू से हमारे साथ में है। अगर हम उनके कॉम्पीट की बात करें, चाहे वो XYZ कोई भी हो, है ना, हम कभी ये नहीं सोचिए कि वो हमारे साथ रहे हैं या आए हैं, हो ना, हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है या एनीथिंग कुछ भी, तो वो हमारे साथ हमेशा खड़े होते हैं
और रही बात आपने एक पानी की बात कही थी, पानी की तकलीफ की, तो मैं आपसे ये पूछना बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ सॉरी आपको मैं, कि पानी की तकलीफ किनको है, आप उस बंदे को लाके पहले खड़ा करिए, तो हम उनसे बात करेंगे कि उनको पानी की तकलीफ है। आपका कहना यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है इस क्षेत्र में, सारी चीज़ें मिल रही हैं, कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को? जितनी परेशानियाँ हैं वो अंडर कंट्रोल है, वो कंट्रोल के बाहर नहीं जाती हैं, हम जब चाहें उन समस्याओं को हमें अवगत कराएं तो उसको हम कंट्रोल पे ला सकते हैं। प्रदेश में क्या हो रहा है आपकी बात? चलिए विधायक जी आपके आपके ठीक हैं, मगर प्रदेश में क्या लगता है? रमन सिंह 15 साल से CM बने हुए, लगातार 3 बार, चौथी बार क्या चांस है उनका? बड़ा शंका का माहौल है अभी तक, मतलब कुछ कुछ प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं जिन्हें लगता है कि जीतना चाहिए, जैसे अभी जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं उनको लगता है हमें जीतना चाहिए, बट इतने साल 15 साल से जो एक शासन चला आ रहा है उस शासन के लिए जिसको कहना चाहिए एंटी कम्बेंसी फैक्टर शायद कुछ काम करे, लेकिन चूंकि अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने जो टिकट डिक्लेरेशन जो शायद उनकी हुई थी वो काफ़ी लेट हुई, 15-20 दिन जो शायद और पहले वो शायद दे सकते थे, तो वो शायद देरी जो है इस बार चुनाव में शायद भारी ना पड़ जाए उनको, तो अभी भी हम समझ के हिसाब से कुछ कुछ क्षेत्रों में ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये प्रत्याशी का चयन होना था वो प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते सरकार जो है शायद वापस आ जाए ऐसी उम्मीद है। इसका एक खामियाजा भी भुगता है कांग्रेस ने कि कांग्रेस के पास शहर में एक बहुत तगड़ा प्रत्याशी था हमारे आदरणीय श्री प्रमोद दुबे, महापौर है जो आज की डेट में, आप उनका यूटिलाइज उनको करना चाहिए था, उनकी एक बहुत अच्छी छवि है, यंग है, टैलेंटेड है और डिवोटेड है ना, उनको आप जब टिकट दे रहे थे तो टिकट देने का समय उनको दे रहे 2-3 दिन नामांकन के जब बचे हुए थे तब उनका डिक्लेयर कर रहे हो आप, मतलब तरीका देखिए। अगर उनका तो मुझे कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि उन प्रमोद जी को तो इन्होंने खुद ही बैठा दिया, इनका कुछ बिजनेस इंटरेस्ट भी आपस में है ऐसा कुछ लोग कुछ लोग बता रहे थे, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ब्रजमोहन अग्रवाल की ये एक खासियत है कि वो अपने दुश्मनों को पनपने नहीं देते हैं। नहीं नहीं ये गलत बात है, ये स्वस्थ राजनीति है, ये इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, बाकी वो बोलने वाले तो ऐसे हैं जितनी में उतनी बातें हैं। प्रमोद दुबे ने स्वयं कहा था कि आप मुझे टिकट देना चाहते हैं, आप एक दिग्गज के सामने दे रहे हैं तो मुझे एक समय तो देते, आप 3 दिन पहले बोलेंगे तो इतना बड़ा वार्ड है दक्षिण का, इतना बड़ा विधानसभा सॉरी, इसमें तैयारी करना और क्या करना, मैं कब क्या कर पाऊँ, आप मुझे तो 2 महीना पहले बोलते तो मैं आपको फाइट करके दिखाता कि लड़ना क्या होता है। आपका मानना है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कमज़ोर है, ये एक बड़ी वजह है? कुछ जगहों पर ऐसा लगता है कि शायद जो जिन लोगों को मिल सकती थी टिकट उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया, ये शायद उनका अंदरूनी मामला होगा, बट एक मतदाता होने के नाते हमें ऐसी उम्मीद थी कि चूंकि 15 साल से वो शासन में नहीं है, अपोजिशन पार्टी है, तो वो शायद टिकट जल्दी डिक्लेयर करेंगे और एक अच्छा माहौल बना के देंगे, लेकिन शायद उनकी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी रही होगी जिसके चलते शायद वो ना कर पाए हों। अब इनका जवाब तो जो है वो चुनाव के बाद रिजल्ट ही बताएगा कि क्या आएगा, बट आकलन ऐसा लग रहा है कि देखिए क्या होता है। और कुछ लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी, क्या नाम है आपका? राजेश श्रीवास जी, अब की बार क्या लग रहा है, 15 साल से रमन सिंह की सरकार है यहाँ पे, क्या चौथी बार रिपीट कर रहे हैं कि नहीं रमन सिंह? मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है, 50-50 लग रहा है। 50-50 लग रहा जी है। अच्छा, बहुत लोगों के मन में शंका है इस बार, ऐसा क्यों है? उब गए हैं आदमी टैक्स पटा पटा के। अच्छा, हाँ। कैसा टैक्स? अब जो व्यापारी बताते हैं टैक्स बहुत लग रहा है, अब ऐसा करते हैं। आप क्या करते हैं? मेरा सैलून दुकान है जी। सैलून का दुकान है आपका? आप मतलब आपका कहना है कि यहाँ के क्षेत्रीय व्यापारी ऐसा कहते हैं कि टैक्स, GST की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ, GST है, टैक्स है जी, उसको लेकर परेशानी। अच्छा, और क्षेत्र में आपकी क्या परेशानी है? और ऐसा कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कोई परेशानी नहीं। आपके जो विधायक हैं लोकल ब्रजमोहन अग्रवाल, उनके लिए क्या लगता है? उससे अच्छा बढ़िया राइस मुड़त काम कर रहा है। अच्छा, कुछ काम ही नहीं किया इस समय। कुछ काम नहीं किया उन्होंने? काम नहीं किया 30 साल। क्या मतलब, क्या चाहते थे, क्या करें जो नहीं हुआ? जो हिसाब से जो राइस मुड़त ने किया उधर काम रामनगर में, वो हिसाब से इधर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप लोग शिकायत नहीं कभी करते उनसे? क्या शिकायत करेंगे नहीं करते। अच्छा, एक थर्ड फ्रंट बड़ा डेवलप हुआ है प्रदेश में, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, अजीत जोगी की पार्टी, आपके सबसे पहले CM छत्तीसगढ़ के वही रहे हैं, उन लोगों के बारे में आपका नाम क्या? पहले मैं देवाशीष मिश्रा। देवाशीष जी, हाँ। पहले तो आप इसी सवाल दीजिए कि जो थर्ड फ्रंट वाली बात मैंने पूछी है, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? तो जैसे कि आपने आने से पहले हमें बताया था कि आप इतनी जगह से घूम के आ रहे हैं, तो एक मोटा मोटी आपको भी स्वयं हो गया होगा ना, कहीं भी आपको कोई झंडा दिख रहा होगा, ना बैनर, ना पोस्टर, ना प्रत्याशी के बारे में चर्चा, ना कोई आम जन
पर्टिकुलर प्रत्याशी को जानता भी नहीं है तो उसकी चर्चा परिचर्चा ही करना बेकार है। मतलब लड़ाई आपका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में? बिल्कुल। प्रदेश में क्या हो रहा है आपकी बार? भाजपा सरकार आ रही बिल्कुल। और यहाँ पर आपके लोकल विधायक जो हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, उनका क्या है? यहाँ तो लीड की लड़ाई है। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो ऐसी चर्चा है कि वो अब जीतने के लिए नहीं लीड के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा। कि चर्चा शहर में ये जोरों पर है कि अगर हम प्रथम तीन में नहीं आए तो फिर हम क्या चुनाव लड़े, हारने की तो कोई बात ही नहीं है। क्या ऐसे काम किए उन्होंने, मुझे तीन काम बताइए उनके आप, कि उन्होंने ये तीन काम किए इसलिए हम उनको लगातार जिताते हैं, या इन पाँच सालों में उन्होंने ऐसे तीन काम बताइए मुझे उनके जो आपको याद रह जाते हो कि हाँ भैया उन्होंने ऐसा कुछ किया है। आपको चारों ओर विकास दिख रहा होगा, पहले आप भी छत्तीसगढ़ आए होंगे, पहली मूलभूत सुविधा होती है रोड रास्ता बिजली पानी, तो पहले ये हमारे यहाँ क्या था, आज ये जमीन आसमान का फर्क है। इसमें साल पहले की बात करेंगे, अभी क्या ये सब पिछले पाँच सालों में बना है? बिल्कुल बन, कोई भी जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूटी में होता है कि कोई भी योजना आएगी एक साल में तो वो पूरी नहीं हो जाती है। कि जैसे केंद्र में बात चल रही है, राहुल जी दावा करते हैं कि मैंने किया था, नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ वो नहीं है भाई, कि हमारे यहाँ भाजपा सरकार ने नीति लाई और वही हर चीज़ पूरा कर रही हैं। अच्छा, मतलब फिलहाल आपको लगता है कि हाँ यहाँ भी आपके विधायक भी जीतेंगे लंबी लीड से? बिल्कुल। और बिल्कुल। प्रदेश में भी भाजपा सरकार ही आ रही है। रमन सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। रमन सिंह में क्या पसंद है आप लोगों को? रमन सिंह एक निष्पक्ष और बिना भ्रष्टाचार वाला चेहरा। भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, उनके बेटे श्री जो हैं अभिषेक, उनका नाम पनामा पेपर्स में आया, उसके बाद एक पीडीएस स्कीम जो चावल वाले बाबा बने, जो सबसे बड़ा मशहूर है, चावल की कटोरी बोला जाता है छत्तीसगढ़ को, चावल वाले बाबा बोला जाता है रमन सिंह को, उस पीडीएस स्कीम में जिसका हर समय प्रचार वो करते रहते हैं उसमें भ्रष्टाचार की बात आई, और उन्हीं के मतलब इनकम टैक्स नहीं रेट डाली, जो उनके प्रमुख सचिव थे, मुख्य सचिव थे, वो गिरफ्तार हुए, कितने लोग अभी भी जेल में है, मामला चल रहा है, फिर कैसे मिस्टर क्लीन है? जब इतनी निष्पक्ष जांच हुई तो अगर वो दोषी पाए जाते तो उन पर भी जरूर कोई ना कोई कार्रवाई होती। और जैसे पनामा जिसमें पाकिस्तान का मुख्यमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री निपट गया, तो फिर मतलब प्रधानमंत्री थे रहते हुए चले गए, अगर ये भी दोषी होते तो जरूर जांच ही नहीं, वो तो कुछ बोलने को तैयार नहीं, उन्होंने तो सिरे से खारिज कर दिया। ये बिल्कुल इस बात से मैं आपकी बिल्कुल असहमत हूँ, वो प्रोसेस में है, और अगर ये प्रोसेस में नहीं होता तो जो बाकी कर्मचारी हैं वो जेल क्यों जाते हैं? ऐसा अभी कहीं और बहस हो रही थी, मैंने सुना कि लोग यही कह रहे थे कि वो जांच के लिए तैयार ही नहीं है, जांच के लिए तैयार नहीं है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो बाकी लोग जेल कैसे जा रहे हैं? कांग्रेस मांग कर रही है कि नहीं, मैं पनामा पेपर्स वाली बात कर अच्छा, रहा हूँ, पीडीएस वाले में तो कार्रवाई हुई, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, मगर सबसे बड़ी बात यही है कि जो उनकी फ्लैगशिप योजना थी जिसके लिए सबसे ज्यादा प्रचार करते थे उसमें ही इतना भ्रष्टाचार निकला, तमाम बताए गए जो राशन कार्ड बनते हैं सब फर्जी थे, 78,000 करीब। ये हमारे भारत का एक रिवाज सा रहा है, जो भी आदमी 15 साल से सत्ता सीन है तो कुछ ना कुछ तो चलेगा ही, तो एक पनामा पेपर भी लगा दिया गया है उसमें, और अगर इसमें कुछ है तो प्रूफ करे, विपक्ष भी अपनी पक्ष दमदारी से रखे। कांग्रेस तो यही कह रही है ना कि जांच कराइए, सीबीआई जांच कराइए। कांग्रेस ने इन 15 सालों में कोई भी उग्र प्रदर्शन धरना या कहीं भी किसी भी प्रकार की मांग, और आपकी मांग नहीं पूरी होती है तो विपक्ष में होने के नाते आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं इसका विरोध करने के लिए, तो जब इसमें तथ्य उनका कहना है कि ये हुआ है तो उसका पुरजोर विरोध करना था उनको, गली मोहल्लों से लेकर राज्य की राजधानी तक, तो क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग कभी क्यों नहीं करते हैं? आप लोग आम जनता है ना आप? हाँ, किसी पार्टी से जुड़े हैं आप? बिल्कुल नहीं जुड़े हैं। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है, तो आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस की जिम्मेदारी की आप लोगों की नहीं है? एक आम नागरिक होने के नाते आजकल जितने प्लेटफॉर्म मिले हुए, चाहे सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हुआ है, उस सोशल मीडिया पर एक आम जनता होने के, या मैंगो पीपल आजकल एक जो टैग लाइन चल रही है उसके हिसाब से एक जितनी कोशिश हो सकती है हम पक्ष में भी रखते हैं और विपक्ष में भी रखते हैं। जैसे आपने कहा कि पनामा पेपर लीक कांड है या जो भी उसमें हादसा हुआ उसमें बहुत सारे लोगों का नाम आया, विपक्ष केवल दावा करता है, विपक्ष के पास अगर ठोस सबूत है तो न्याय के लिए संस्थाएँ बनी हुई हैं, तो उस न्यायगत संस्था के तहत जब तक आप उसमें उस कार्यवाही को देंगे नहीं तो उसमें न्याय कैसे होगा? आप केवल चिल्ला रहे हैं कि पनामा पेपर में उसका नाम है, उसने पैसा दिया, तो उसको लगाइए ना, लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सारे चरणबद्ध तरीके हैं, उन चरणबद्ध तरीकों को फॉलो कीजिए और शायद उसमें कुछ रिजल्ट निकल के आए। आप केवल मीडिया में या प्रेस में, मैं आपके सामने कह दूँ कि भैया उसका नाम यहाँ पर था, तो होने से क्या है, आप उसको प्रूफ करिए, और आपके पास तो पूरी फौज फटाका एक दोनों पार्टियों में वकीलों की जो इस केस को बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं और इससे निष्पक्ष जांच हो क्या है ताकि जनता को भी समझ में आए। हमने सुना था जैसे 2G 3G 4G कोल जी क्या क्या हुआ था,
सारे के सारे लोग बरी हो गए आज के, किया किसने भाई ये पैसा था। आप अगर मैं इसको अगर एक पिक्चर से जोड़ूं, मदारी करके एक मूवी आई थी उसमें शायद इरफान खान ने कहा था, और एक जो पूरी घटना रची हुई थी तो उसमें एक मंत्री थे जिन्होंने कहा था कि ये सारे पैसे होते हैं घटते हैं, मतलब अगर ये स्कैम हुआ है तो वो पैसा कहाँ गया, तो उसको कोई बताना नहीं चाह रहा है जी। आपका क्या नाम है भैया? मैं नहीं, ललित कटियारा। ललित कटियारा, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है जी। क्या बिजनेस है आपका? मेरा टैमरिंड का होलसेल बिजनेस है। अच्छा, तो आप क्या लगता है कि पिछले 15 सालों से रमन सरकार है यहाँ पे और आप एक उद्योग मतलब बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कुछ आपको कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ आपके लिए कुछ उन्होंने स्कीम चलाई? ईज ऑफ बिजनेस बहुत अच्छा है, सेफ्टी बहुत अच्छी है शहर पे, सारी चीज़ें अच्छी, तो मुझे लगता है बीजेपी की सरकार आएगी जी, फिर से आएगी। आपने क्षेत्र में कोई दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आती? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 24 घंटे हमारे यहाँ बिजली है, पानी 24 घंटे है, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है, सेफ है, रात का आप 2 बजे भी अपने घर जा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे बीजेपी की सरकार है। अच्छा, आप लोग को बिजली पानी, इन्होंने बताया 24 घंटे बिजली आती है, क्या 24 घंटे बिजली है? अभी तक तो समस्या नहीं आ रही, मतलब पावर कट की समस्या नहीं है। शासकीय योजनाएं जो भी लग रही है, जैसे सारी जगहों में अंडरग्राउंड वायरिंग का काम स्टार्ट होने का है, ठीक है, अभी नहीं हुआ है, चालू हो जाएगा, LED लाइटें लग रही है, रोड वाइडन हो रही है, प्रोसेस है। शायद कुछ चीज़ें बहुत जल्दी हो सकती थी, जिसमें देरी हो रही है वो एक शायद रोष का कारण हो सकता है। जैसे एक बड़ा कारण ये भी है कि बाकी चीज़ों में कहा जाता है कि रमन सिंह ने काम किया, मगर नक्सलवाद पे शायद वो, इस बीच कुछ तमाम घटनाएं भी घटी, एक दूरदर्शन के पत्रकार पे हमला हुआ और लगातार चीज़ें हो रही, उस पर वो रोक नहीं लगा पाए उस तरीके जैसे उम्मीद उनसे की जाती, क्योंकि हर बार वो ये दावा भी करते हैं कि अगले 5 सालों में नक्सलवाद ख़त्म कर देंगे। अगर आप पिछले 15 साल का वो निकालेंगे तो ये घटनाएं दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। पहले एक आम जन में दहशत था, यार एक दहशत तो अभी भी है। ये आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आया हुआ। दिल्ली से आए हूँ, एक बार ज़रूर बस्तर विजिट करिए आप। बस्तर जा रहे हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, टीम गई हुई निकली हुई है, और उसके बाद आके मेरे से आप दोबारा बाइट लीजिएगा, फिर मैं इस विषय पर आपसे चर्चा। कुछ दिन पहले एक हमला हुआ है, एक उसके अगले दिन, 2 दिन बाद 30 अक्टूबर को हमला हुआ है, फिर 2 दिन बाद फिर हमला हुआ है जी। ये र्यूमर है, लेकिन हमने एक चीज़ देखा है 15 सालों में कि पहले नक्सलवाद जो है 5-6 जिलों में एकदम घनी समस्या थी, 5-6 जिले ऐसे थे जो उनके प्रभुत्व में थे। आज आप एक बार आकलन करें जाके, आप हमारी बात भी चेक करें, हम जो बोल रहे हैं उसको जाके, वो सिमट के 2-3 जिलों में हो गया है। तो जड़ की समस्या को जड़ से काटना है, एकदम से नहीं होगी। जहाँ पे नक्सलवाद को लोकल सपोर्ट भी अगर मिल रहा हो, जो हम सुनते हैं, हमारे पास उसका अथेंटिक कुछ भी नहीं है, तो ये सब चीज़ को आपको काटना हटाना, फिर आपको जन धन की हानि ना हो। आपकी संपदा ऐसी है छत्तीसगढ़ में बस्तर बेल्ट की, जो नक्सलवाद मुक्त हो गई तो छत्तीसगढ़ ना केवल भारत में, एशिया का टॉप मोस्ट आज रहेगा, कई देश हमसे पीछे रहेंगे। संपदा तो इतनी है हमारे पास, तो उसकी ख़त्म करने की अग्रसर तो हैं, लेकिन अगर एकदम तुरंत में अपन एक्सेप्ट करें कि ख़त्म हो जाए, वो नहीं होगा। आप आर्मी भेज दें, ये भेज दें, बोलना आसान चीज़ है। अच्छा, 18 में तो आप लोग रमन सिंह चुनेंगे या जोगी चुनेंगे या कांग्रेस चुनेंगे, ये तय हो जाएगा। 19 के बारे में क्या सोचना है, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? वो तो बिल्कुल मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, और उसके बारे में ये है कि 5 साल हम उनको और देना चाहते हैं। अच्छा। कि ताकि आगे चल के ये बात ना उठे कि अधूरी योजनाएं जो मोदी जी इनिशिएट किए हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक मैं युवा उद्यमी हूँ। अच्छा। कि जनधन योजना आया, लोग इसका भी ड्रॉबैक फैलाए, भाई आया अकाउंट में पैसे जमे हुए किसके लिए हुए? आज आपके मेरे लिए आज 10 लाख रुपए का लोन सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री रोजगार, आई एम स्लिप हो रहा हूँ मैं, हाँ उद्यमी वाली बात, लेकिन लोग उसमें भी ड्रॉबैक निकालते हैं, यार आपको बिना कुछ के गारंटी के मॉर्गेज के लोन तो दे रहा है, बट यहाँ की लोगों की इंडियन मेंटालिटी क्या है, वाह नरेंद्र मोदी बोल रहा है तो वो मिल गया, यानी वो बैंक में गए ब्रांच मैनेजर के पास खड़े हुए कि मेरे को लोन चाहिए, तो इंस्टेंट उसके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाना चाहिए। दे आर नॉट इवन रेडी टू फुलफिल दैट मिनिमम फॉर्मेलिटीज ऑल्सो। तो आज मैं एक मान लो एक साधारण घर का लड़का हूँ, जिसके माँ बाप मेरे को 5 लाख या 10 लाख मेरे पीछे नहीं लगा सकते, और मैं अपने काम के लिए पॉजिटिव हूँ, तो नो डाउट नरेंद्र मोदी सपोर्टिंग में। आप क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि शायद विपक्ष के पास अभी भी ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो उनको बीट कर सके। अच्छा। लोग उनको अजीब अजीब नामों से संज्ञा देते हैं, कोई फेकू बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हो सकता है सही भी हो,
बट जो पिछले 4-4.5 साल का हम उनका काम देखते हैं, मुझे तो पर्सनली लगता है कि वो काम कर रहे हैं और उसका इफेक्ट भी दिख रहा है। आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप ऑप्शन तो दे हमको, ऑप्शन विपक्ष सुदृढ़ होना चाहिए, वो तो और नीचे जाते जा रहा है। और एक सक्षम नेतृत्व जो होता है विपक्ष का, वो है ही नहीं कि आम जनता कंपेयर कर पाए। हम तो कंपेयर करने के स्टेज में भी नहीं है। हमको नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा दिखता ही नहीं। हम भाजपा वाले हैं नहीं हैं, कांग्रेस वाले हैं नहीं हैं, ये बात की बात है। एज अ प्रधानमंत्री हमको नरेंद्र मोदी मच बेटर लगा बनिस्पत और किसी के। तो ये है रायपुर की राजधानी और यहाँ की जनता ब्राह्मणपुरा की, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में दिख रही है। और रही बात नरेंद्र मोदी की भी, तो वहाँ भी उनको नरेंद्र मोदी पसंद आते हैं। और इसका बड़ा एक कारण जो है वो विपक्ष का कमज़ोर होना है। तो विपक्ष को इसके बारे में सोचना चाहिए। और आप ऐसे ही देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं हूँ सौरभ, मेरे साथ हैं विभव। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा दी लल्लन टॉप की ऐप गूगल प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए।